तो गायत्री एरा, गायत्री हम कम गुड, वेलकम गायत्री, सो सिंधुजा यू आर वेलकम, ऋषभ शर्मा यू आर वेलकम, सुनील सो विद इन 1 मिनट वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. आई एम ऑडिबल, ऑडिबल टू एवरीवन. Right. I request everyone to put on the video if you can do, because the interaction would become more interesting. थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, अदरवाइज मुझे वन साइडेड बोलने में थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं कंप्यूटर के सामने बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे बोल रहा हूँ. एंड इफ यू पुट ऑन योर वीडियो इट विल लुक मोर ह्यूमेन, मोर नेचुरल. माई कम्युनिकेशन वुड बी मोर प्रोडक्टिव. यस जीवन. हाँ तो मैं आई एम लाइव, आई एम इन द सेशन. हेलो. Everyone, good evening. Am I audible properly? Yes, sir. So, today I will be repeating the same thing I talked day before yesterday and yesterday. So, nothing new would be there. Yet, I will tell it more clearly with you. Right? This session is aimed at clarifying your doubts about your prelims and focusing yourself on mains. ठीक है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हार्ड वर्क वुड बी डन बाय एवरीवन, एवरीवन वुड डू हार्ड वर्क, बट दोज हु डू स्मार्ट हार्ड वर्क दे विल गेट सक्सेस. ये आपको ध्यान में रखना है. स्मार्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्ड बोल तो देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट? स्मार्ट का मतलब है यहां पर सिलेक्टिव प्रिपरेशन, सिलेक्टिव प्रिपरेशन. देखिए इन कॉमर्स मेंस यू विल बी आस्क्ड 8 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू विल बी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस. तो 3 क्वेश्चन सरप्लस है, 3 क्वेश्चंस आर सरप्लस. तो आपको 100% रिविजन नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी लिमिटेड एंड ड्यू टू जनरल इलेक्शंस यू आर गिवन 20 लेसर डेज. राइट? सो स्मार्टर वर्क वुड बी नीडेड, बेटर एलोकेशन ऑफ योर टाइम वुड बी नीडेड. स्मार्ट वर्क में होगा अपने टाइम का बेटर एलोकेशन. स्मार्ट वर्क का मतलब होगा बी सिलेक्टिव. बस अब टाइम का जो एलोकेशन करना है, यू हैव टू डू एलोकेशन मोर टू जीएस एंड लेस टू ऑप्शनल. इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, एक रफ आइडिया ये है कि गिव 1/3 टाइम टू ऑप्शनल एंड 2/3 टाइम टू जीएस एंड एस. 1/3 टाइम टू ऑप्शनल, 2/3 टाइम टू जीएस एंड एस. राइट? ठीक है, उसके आगे आपको क्या करना है, डोंट गिव एक्सक्लूसिव टाइम टू ऑप्शनल ओनली और जीएस ओनली. दैट वुड बी हार्मफुल, हार्मफुल एंड हार्मफुल. कहीं आप आने वाले
40 डेज 30 डेज सिर्फ कॉमर्स को दें और उसके बाद जीएस स्टार्ट करें, दैट वुड बी हार्मफुल। और यू गिव कमिंग 2 मंथ्स और 1.5 मंथ्स टू जीएस ओनली एंड यू थिंक ऑफ डूइंग कॉमर्स एट लास्ट, दैट वुड बी हार्मफुल। इसमें आपको स्टार्टिंग में अच्छा जरूर लगेगा लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसमें आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। सो गिव 1/3 to 40% टाइम टू कॉमर्स एंड मिनिमम 60% to 67% टाइम, इवन 70% टाइम टू जीएस, यू आपको ये करना है। हाँ, यू कैन मेक वन चेंज, वन मॉडिफिकेशन। यू कैन गिव 50% टाइम टू कॉमर्स एंड 50% टू जीएस फॉर द नेक्स्ट 45 डेज ओनली। वो क्यों? क्योंकि कॉमर्स में आपका नेक्स्ट 45 डेज टेस्ट सीरीज है। इफ दोज हु वांट टू राइट द टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज जिनको नहीं लिखना है, दे शुड गिव 1/3 टाइम टू कॉमर्स एंड 2/3 टाइम टू जीएस। लेकिन 50% की लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यू हैव टू गिव मिनिमम मैक्सिमम 50% टाइम टू योर ऑप्शनल इफ यू आर अटेंडिंग जीएस, सॉरी कॉमर्स टेस्ट सीरीज। रैंकर्स की जो टेस्ट सीरीज है, 45 डेज का सिलेबस रिविजन का टेस्ट सीरीज है। सो गिव 50% टाइम जस्ट फॉर 45 डेज। 45 डेज के बाद क्या करेंगे, कॉमर्स का टाइम रिड्यूस कर देंगे 25 to 20% पे और जीएस का कर देंगे 80%। आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल गिव मिनिमम 10 आवर्स ए डे और 9 to 10 आवर्स ए डे, राइट। और नेक्स्ट बार आज से ही या कल मॉर्निंग से ही आपको तैयारी में लग जाना है। 21 को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर टेस्ट है, जो इंटेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, या आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करें तो आप हमारे टेस्ट शेड्यूल को इमिटेट कर लीजिए, वर्चुअली आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। इससे क्या, और डेली का टारगेट एक चैप्टर का या जो शेड्यूल में दे रखा वैसा होना चाहिए। टेलीग्राम पर हमने शेड्यूल डाली है, सो यू कैन मेक योर शेड्यूल अराउंड दैट, बिकॉज दैट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड लेंथ ऑफ द चैप्टर, राइट। सो उस शेड्यूल को इमिटेट कीजिए, कॉपी कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए। चांसेस 45 मैक्स 50 डेज में आपका कॉमर्स रिवाइज हो जाएगा। कंडीशन है 50% से टाइम ज्यादा नहीं देना, ज्यादा देंगे तो जीएस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर भी टाइम कम पड़ रहा है तो फिर आपको स्मार्टनेस यूज करना है, स्मार्ट तरीके यूज करने। स्मार्ट तरीके क्या है, बी मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव। आपको लगता है कि सिलेक्टिव होने में रिस्क है, सो यूज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यूज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कई बार हमें लगने लगता है कि चीजें हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर को थोड़ा सा भी टच करेंगे आपको चीजें याद आने लगेंगी। तो ये तो अज्यूम ना करें कि यू डोंट नो। जैसे ही आपको लगे कि आई यू हैव फॉरगॉटन, तो आप एक काम कीजिए, उस चैप्टर को याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक दैट यू हैव फॉरगॉटन नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो बिफोर सीइंग द बुक यू डू मेंटल रिविजन। नेचर में क्या क्या था, लाइफ ब्लड बिल्कुल सही है, एंड सेंट्रल फंक्शन आ गया, देर आफ्टर लाइफ फंक्शन है, एक आर्ट है। सो इस तरह से आप ब्रेन को अगर कहेंगे तो ब्रेन आपको रिवाइज करा देगा। आई कॉल इट 10x रिविजन क्वालिटी। तो अगर आपको रिविजन के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो 10x रिविजन क्वालिटी पे मैंने एक 25-30 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा, वो देख लीजिए, वो बहुत फायदेमंद होगा, आपके रिवीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। सीधे बुक में रिवाइज नहीं करना है, राइट। यहां तक जो मैंने बताया, इस रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप पूछिए, उसके बाद और चीजें बताऊंगा। आई हैव टोल्ड अबाउट ब्रॉड शेड्यूल ओनली। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज एंड एनरिच्ड टेस्ट सीरीज? इन एनरिच टेस्ट सीरीज देर आर 35 चैप्टर टेस्ट प्लस 10 सब्जेक्ट टेस्ट प्लस 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। इन स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज दिस चैप्टर टेस्ट आर रिमूव्ड, ओनली 10 सब्जेक्ट टेस्ट। आपके सिलेबस में 10 सब्जेक्ट्स हैं, OT, OB, HRM, IR, FM, कॉस्ट, टैक्स, ऑडिट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड FML। इन स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ओनली 10 सब्जेक्ट टेस्ट एंड 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आर इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब एनरिच्ड में 35
35 चैप्टर टेस्ट इंक्लूड होंगे। 35 में कैसे होगा? अराउंड 22 चैप्टर टेस्ट इन पेपर वन एंड 13 चैप्टर टेस्ट इन पेपर टू। हमने शेड्यूल में डाल रखा है, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे शेड्यूल है, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको, सर, यस आदित्य, सर इफ वी वांट टू ज्वाइन दिस एनरिच्ड टेस्ट सीरीज आफ्टर द रिजल्ट, लाइक आफ्टर मतलब रिजल्ट विल कम ऑलमोस्ट ऑन 28th और 29th, उसके बाद अगर कर सकते हो, कोई कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मेन कंसर्न नहीं होता है कि फी पे कर देंगे, फिर रैंक वाले रिफंड नहीं करेंगे। चलो, फी तो रिफंड नहीं करते हम, लेकिन टेस्ट सीरीज पोस्टपोन कर देते हैं। आप मैसेज डालिए, रिक्वेस्ट कीजिए, हम टेस्ट सीरीज पोस्टपोन कर देंगे। कई बार स्टूडेंट कहता है सर मेरा तो ये लास्ट अटेम्प्ट था, अब मैं पोस्टपोन भी नहीं कर सकता, तो 10% काट के हम फिर पैसा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। यही कंसर्न होता है स्टूडेंट का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आदित्य, एक चीज ध्यान रखना है आपको, हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली रिवाइज जरूर करना है, पढ़ना जरूर है, ठीक है। आप प्रीलिम्स के रिजल्ट की बात ज्वाइन कर लीजिए, हालांकि उसमें नुकसान होगा, उस बारे में मैं भी कहना चाह रहा हूँ। जिसका स्कोर 85 से ऊपर है उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर तो 75 पे गया था जनरल कैटेगरी का, दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अबो 85। पीपल से 95 ऑल्सो, बट आई थिंक इट वुड बी 85 प्लस। इवन 80 से ऊपर है तो भी यू शुड बी होपफुल, ठीक है। और आने वाले 10 दिन में और क्या कर लेंगे आराम करके। जिंदगी के अंदर पछतावा नहीं होना चाहिए, फेलियर हो सकता है, पछतावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पछतावे से बचना है तो एक एक दिन को यूज करो। वरना मैं बताता हूं, अगर सेकेंड रैंक आ गई तो सबसे ज्यादा दुखी होंगे आप, क्योंकि लगेगा कि अगर मैं 10 दिन और स्टडी कर लेता तो मेरी फर्स्ट रैंक आ जाती। या एक नंबर से अगर आप रह गए लिस्ट से, तो इतना पछतावा होगा कि Had I studied for 10 days, I would have been done in the list. Take care. कल से लेकर रिजल्ट आने तक टाइम ज्यादा यूज करना है आपको। रिजल्ट आने के बाद तो सभी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सफलता एक्स्ट्रा उसको मिलेगी जो आने वाले 10 दिन अपने मन को टिकाकर पढ़ेगा। ओके, स्टडी करना है आपको, कोई ऐसा तो है नहीं कुछ और भी कर लेंगे। भाई, आपकी प्रधानमंत्री से मीटिंग है, वो कैंसिल हो जाएगी, 10 दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ना है आपको, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको पेशेंस डेवलप करना है, ठीक है, कीजिए। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं रिजल्ट के बाद, ठीक है। वो टेस्ट छूट जाएंगे क्योंकि हम तो कंडक्ट करा देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा, इट्स फॉर श्योर। हम जानते हैं टाइम नहीं होता है, अवर एक्सपीरियंस। सर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सबमिशन इन केस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज? सो सी सी और वेबसाइट, वेबसाइट पे गिवन है ना, वेबसाइट, ओके यू सी द वेबसाइट, वहां पर बैंक डिटेल दे रखी है, वहां पर एडमिशन फॉर्म दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, रैंकर्स। आई थिंक यू डिडंट विजिट अवर वेबसाइट ना। आई एम गिविंग बेसिक इंफॉर्मेशन हेयर, सो वो आप वेबसाइट पे देख लें। एडमिशन की जो प्रोसेस है, शेड्यूल है, फी वगैरह वेबसाइट पे दे रखा है, लेट अस डिस्कस के एडमिट्स। हाँ, अब आपको अपना टाइम एलोकेट करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको 60-40 टाइम एलोकेट करना है और सिलेक्टिव तैयारी करना है। 100% तैयारी बिल्कुल नहीं करना है, ऑप्शनल में। जीएस में मैं नहीं जानता कैसे करना है, ऑप्शनल में 100% नहीं करना है, मिनिमम 70% करना है, मैक्सिमम 85% करना है, ठीक है। अब वो 70% कौन सा करना है, वो स्ट्रेटेजी आपका चैप्टर वाइज बनेगा, सब्जेक्ट वाइज बनेगा। अमन, मैं इस समय मीटिंग में हूं तो इस समय कॉल नहीं ले पाऊंगा, आप ऐसा करो आधे घंटे के बाद कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है 70% मिनिमम करना है, मैक्सिमम 85% सिलेबस करना है। अब वो कौन सा छोड़ना है, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि क्या छोड़ना है। पहले हम बुक में ट्रिपल डबल टिक मार्क करते थे, जो सी लिखा हुआ है, सिंगल टिक लिखा हुआ है या क्रॉस रखा है, उसको छोड़ सकते हैं। डबल टिक मार्क एंड सिंगल ट्रिपल टिक मार्क अच्छी तरह से करना है, सी को और क्रॉस को छोड़ देना है, ठीक है। पेपर टू में आपको इस तरह से करना है। पेपर टू में चार एरिया हैं, ओटी, ओबी, एचआरएम। किसी भी तीन एरिया को बहुत मजबूती से कीजिए, ओटी, ओबी और एचआरएम को बहुत मजबूती से कर लीजिए। आईआर को सिलेक्टिवली कीजिए, या ओटी, ओबी, आईआर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एचआरएम को सिलेक्टिवली कर लीजिए, या एचआरएम, आईआर और ओबी को मजबूती से कर लीजिए, ओटी को सिलेक्टिवली कर लीजिए।
इस तरह से आप अराउंड 10-15% टाइम पेपर टू में सेव कर लेंगे, क्योंकि पेपर टू में आपको आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 3 एरिया मजबूत कर रखे हैं और एक एरिया को गुड लेवल का कर रखा है, तो आपको 5 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, 6+ ही मिलेंगे आपको। यह है पेपर टू। पेपर टू में ओटी ओबी एचआरएम आईआर को सभी को बराबर मजबूती देने की जरूरत नहीं है, किन्हीं 3 एरिया को मजबूती दो, क्योंकि आपको 8x8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 5 करने हैं। डेफिनेटली यू वुड लाइक टू सेलेक्ट 5 वेरी गुड क्वेश्चंस। तो 5 वेरी गुड क्वेश्चन तब होंगे ना जब आपने 5 वेरी गुड की तैयारी की होगी। तो अपने टाइम को फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पे, एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इन पेपर टू, और एक सब्जेक्ट पे एवरेज से गुड तैयारी होनी चाहिए, परफेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई डाउट हो पेपर टू के बारे में तो बताइए, राइट? डाउट आ सकते हैं, बाद में डाउट आते हैं, लेकिन अभी अपने ब्रेन को टटोल लीजिए, कोई डाउट लग रहा है क्या, कोई क्वेरीज वरीज? आई एम टेलिंग विथ 85%, पेपर टू का 85% बता दिया। पेपर वन में भी आपको 85% करना है, मतलब 15% क्या छोड़ना है, वो 15% आपको न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट से कंपलसरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ना? एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन हिंदी? गायत्री, येरा, आई एम श्योर यू आर कंफर्टेबल इन यस सर, नो प्रॉब्लम्स। राइट। एंड एनी अदर पर्सन? सिंधुजा, एनी अदर पर्सन? नो प्रॉब्लम सर। ओके राइट। पेपर वन में आपको 15% क्या छोड़ना है? न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल चैप्टर्स इन विच यू आर वीक। उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ अमलगमेशन इज नॉट गुड, सो डोंट डू अमलगमेशन वेल, डू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली। अमलगमेशन छूट गया, 5% प्रिपरेशन वहां से कम हो गई। इफ फाइनल अकाउंट्स आर नॉट गुड, तो फाइनल अकाउंट्स भी छोड़ दीजिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिस्पाइट दैट देयर आर चांसेस टू फेल। ठीक है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। और इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल भी छोड़ दीजिए, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई ना कोई एक ट्रिकी पॉइंट रख देता है पेपर सेटर। सो आपको न्यूमेरिकल क्या क्या करना है? पूरा एफएम करना है, 100% न्यूमेरिकल, 100% एफएम करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर 100% करना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी 100% करना है, पूरा अमलगमेशन नहीं करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सीवीपी एनालिसिस करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आने के चांस है पूरे। सीवीपी करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है। बजटरी कंट्रोल में टाइम नहीं लगता, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। बजटरी कंट्रोल करना है मतलब प्रोसेस छोड़ देना है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ देना। तो प्रोसेस छोड़ने से, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल छोड़ने से, अमलगमेशन न्यूमेरिकल, फाइनल अकाउंट से आपका 85% हो गया पेपर वन। दिस इज 85%। एनी क्वेरी हेयर? हेलो यस सुनील, यस सुनील। सर, जैसे आपने बोला कि पेपर टू में 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो सर ऐसा कुछ है कि आईआर और एचआरएम अगर हम स्ट्रॉन्ग करें तो उसमें कम मार्क्स मिलते हैं और ओबी ओटी में ज्यादा मिलते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा माना जाता है कि ओबीओटी में जो ना काफी टू द पॉइंट लिख सकते हो, थ्योरी जो होती है ना, इन थ्योरी यू कैन राइट परफेक्ट आंसर, बट एचआरएम आईआर में थ्योरिकल मॉडल्स इतने ज्यादा नहीं है, वहां पर जनरल डिस्कशन है, तो देयर आर चांस ऑफ गेटिंग लेस मार्क्स, बट रियली डिपेंड्स अपॉन योर होल्ड ओवर द सब्जेक्ट। गो बाय योर स्ट्रेंथ रादर देन सम परसेप्शन गिवन बाय द पीपल। गो बाय योर स्ट्रेंथ, डोंट गो बाय पीपल। 2-3 नंबर का फर्क पड़ गया और आपने अपनी तैयारी को पूरा मोल्ड कर लिया, तो दूसरी जगह 50 नंबर का नुकसान हो जाएगा आपको। डोंट मोल्ड योर स्ट्रेटेजी, ओके सर, ओके बिल्कुल मोल्ड नहीं करना स्ट्रेटेजी। अब 1 साल पहले मोल्ड कर सकते थे सुनील, अब नहीं करना। और पेपर वन में जो छोड़ने के लिए बता रहा हूं, ये रिस्क फ्री है, ये रिस्क फ्री चॉइस है, इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन में से 5 करने हैं।
ऐसा रेयरली होगा कि फाइनल अकाउंट से भी न्यूमेरिकल आ गया, अमल अकाउंट से भी न्यूमेरिकल आ गया, ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस से हर साल क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, इनकम टैक्स में एक रिस्क रहती है, उसकी प्रिपरेशन लेवल पे ही प्रॉब्लम है, तो इनकम टैक्स छोड़ने के लिए बोलता हूँ 100% FM कीजिए, इश्यू ऑफ शेयर्स कीजिए, CVP एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कीजिए, प्लस हाउस प्रॉपर्टी कीजिए, दैट्स ऑल। वो न्यूमेरिकल करना है, पेपर वन का थ्योरी सारा करना है, सारे में भी फिर आपको सिलेक्टिवली करना पड़ेगा। उसमें मैं जो टाइम टू टाइम हमारे जो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स होंगे या जो भी क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास हम PDF भेजेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इस बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस हैं, और ओवरऑल वर्किंग कैपिटल में जो है कंपोनेंट बेस्ड, कॉस्ट कंपोनेंट बेस्ड वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन आने के चांस हैं, और थ्योरी में क्रेडिट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये पास्ट ट्रेंड के बेस पे मैंने गैस बना रखा है, जो टेलीग्राम चैनल पे सभी के साथ शेयर किया है, और टेस्ट सीरीज वालों के साथ एडवांस में शेयर करेंगे। इसी तरह से जो कैपिटल बजटिंग है, उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के क्वेश्चन आने के इक्वल चांस हैं। थ्योरी में टेक्निक्स पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन कैपिटल बजटिंग। पेपर सेटर चाहता है कि कैंडिडेट्स ट्रेंड समझें और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली तैयारी करें, इसके पीछे रीजन है। सब्जेक्ट चेक करना पेपर सेटर का ज्यादा पर्पज नहीं है, रीजन ये है कि UPSC वॉन्ट्स टू सिलेक्ट पीपल हु आर गुड इन स्ट्रेटेजी मेकिंग, एंड स्ट्रेटजी इज मेड बाई कंसिडरिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट इज PYQs, लास्ट ईयर 3-4 ईयर PYQ। तो जो ट्रेंड को समझकर फोकस करते हैं, UPSC वही चाहता है कि फोकस होकर कैंडिडेट आए, न कि सब कुछ पढ़ के आए, राइट। उसके बाद आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में। पेपर वन में आपको थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, न्यूमेरिकल को देने के साथ साथ थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, 10% ज्यादा, क्योंकि थ्योरी रिस्की नहीं है, पेपर वन में न्यूमेरिकल्स रिस्की है। अगर आपको डाउट आए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक थ्योरी है, तो आपको थ्योरी सेलेक्ट करना चाहिए अगर न्यूमेरिकल में डाउट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड ओनली इफ यू आर 100% श्योर और प्रेटी श्योर कि आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज डू थ्योरी। थ्योरी में आपको 55-60% मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल में या तो आपको 18 मिलेंगे, 19, या हो सकता है 8-10 आ जाएं, और गलती हो गई तो वो आपका पूरा गेम खराब कर देगा। हाँ, न्यूमेरिकल में पार्ट सॉल्यूशन है तो मार्क्स मिलते हैं, अगर क्लरिकल एरर है तो मार्क्स ज्यादा नहीं कटते, कॉन्सेप्चुअल एरर है तो मार्क्स कटेंगे। CV सिंधुजा का क्वेरी था। पेपर टू में तो थ्योरी ही करना है, पेपर वन में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। 150-170 मार्क्स का थ्योरी करना है पेपर वन में, 100 मार्क्स का तो कंपलसरी है, एंड एवरी न्यूमेरिकल इज हैविंग वन और टू थ्योरी क्वेश्चंस है, सो 150+ थ्योरी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन पेपर वन, इसको ध्यान में रखना। तो डू थ्योरी वेल, ठीक। हम उसी फोकस के बेस पे कि कंसिडरिंग द थ्योरी विल सेट क्वेश्चंस इन टेस्ट सीरीज आल्सो, हमारी पूरी टेस्ट सीरीज में 300+ क्वेश्चंस पूछेंगे हम, 322 क्वेश्चंस होंगे पूरी टेस्ट सीरीज में, 322, 322 में से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रखेंगे अराउंड 122, और 200 क्वेश्चंस थ्योरी के ही होंगे, पेपर टू का पूरा थ्योरी है, उसको तैयार करने से काफी कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी। हम कोई ये नहीं कहेंगे भी इतना सारा कवर हो जाएगा, लेकिन वी विल मेक अवर बेस्ट गेस, एक एक क्वेश्चन में सिलेक्ट करके दूंगा, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। डेली आपको जो पढ़ने का जो टारगेट बनाना है, 9-12 आवर्स का टारगेट बनाना है, इससे ज्यादा बैठ सकते हैं तो बैठिए, लेकिन 9 आवर्स में प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड 12 आवर सिटिंग कर रहा है और आप 9 आवर सिटिंग कर पा रहे हैं, तो आपको कंपेरिजन करके वरी नहीं करना है। देखिए, लोगों का जो ब्रेन का जो है थिंकिंग का स्पीड डिफर करता है, इंटेलिजेंस सेम हो सकता है, थिंकिंग का स्पीड डिफर करता है। एक पर्सन जो रेसिंग थॉट्स रखता है वो बहुत हार्मफुल है, जिसकी थॉट्स रेसिंग होती हैं बहुत ज्यादा, बार बार चीजें नई नई सोचना, तो वो 7 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, और जिसकी थॉट नॉर्मल चलती हैं वो 10 घंटे पढ़ सकता है।
और जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल मतलब बहुत स्लोली सोचता है चीजों को सिस्टमेटिकली, वो 12 घंटे भी स्टडी कर सकता है। तो आपका टाइम का दूसरे के टाइम से कोई कंपैरिजन नहीं है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सभी के बराबर आती है। बस ये कहूंगा 9 to 12 आवर के बीच में आपकी स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम 9 आवर, आइडली 12 आवर उसके तो ठीक है। और आज से ही देखिए, प्रीलिम्स में आपकी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि प्रीलिम्स में बाय द वे आप मान लीजिए फीवर भी है, अल्टीमेट सिचुएशन लेता हूं, या नींद भी आपने नहीं ली तो भी आपको एक टिक्की लगानी है। यू हैव टू जस्ट मेक ए सर्किल ब्लैक। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में आपको हाथ से लिखना है 3 आवर तक कॉन्टिन्यूसली, और उसमें भी आपको ब्रेन को अप्लाई कर करके अपने ब्रेन के अंदर से निकालना है। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने रखे हैं, आपको तो उसमें से यस और नो टिक मार्क करना है। लेकिन मेंस में क्या है, मेंस इज सब्जेक्टिव, मीन्स यू हैव टू ब्रिंग आउट फैक्ट्स, आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर सेल्फ। सो मेंस में आपका हेल्थ बहुत मैटर करेगा, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक एग्जाम डेज में बहुत मैटर करेगा। पहले दिन से ही आप अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे मेंस के पेपर में, अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हेल्थ पे फोकस में आपको मैं बार बार बताता हूं, 3 चीजें हैं। अपने फूड का केयर करना है, रीजनेबल क्वांटिटी में आपको कार्ब्स लेने हैं, रीजनेबल क्वांटिटी में। सुबह 3 परांठे खाकर, 4 परांठे खाकर पढ़ने नहीं बैठना है, 1 परांठा, 1.5 परांठा, फैटी आइटम, ज्यादा सुगरी आइटम, ज्यादा कैलोरी वाली आइटम नहीं लेनी है। अब ज्यादा मैं नहीं बता सकता, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं। दूसरा, आपको स्लीप पे ध्यान देना है, 6 to 8 आवर्स का स्लीप रेगुलरली लेना है, आज से ही लेना है, कहीं आज से कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दें। अगर आज से कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देंगे, 3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद आप बर्नआउट फील करेंगे, बर्नआउट नहीं आने देना। बर्नआउट में क्या होता है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन ब्रेन आगे नहीं चल पाता, वो तब होता है जब आप इनफ स्लीप नहीं लेते, प्रॉपर फूड नहीं लेते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। और तीसरा पिलर है एक्सरसाइज, एक टाइम पर 30 to 40 मिनट का एक्सरसाइज एंड अदर टाइम पे 10 to 15 मिनट का एक्सरसाइज, दोनों करना है। मॉर्निंग में आप 40 मिनट कीजिए, इवनिंग में 10 मिनट कीजिए, मॉर्निंग में 30 मिनट कीजिए, इवनिंग में 20 मिनट कीजिए, जरूर कीजिए। 12 घंटे में एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे आप जॉगिंग करें, जो जिम जाते हैं अपनी कंटिन्यूटी रखें, ठीक है। हेल्थ के 3 पैरामीटर्स पे पहले दिन से ध्यान देना पूरा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और डेली अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 1 आवर 45 मिनट 50 मिनट्स, मतलब 1 आवर के अराउंड 10% टाइम लिखने में जरूर लगाना है। प्रीलिम्स में तो लिखने का इंपॉर्टेंस नहीं था, प्रीलिम्स में टिक मार्क वाज द अप्रोच, लेकिन मेंस में 1715 मार्क्स का योर एक्सचेंज विद द यूपीएससी वुड बी इन रिटन फॉर्म। आदित्य अग्रवाल जो फर्स्ट रैंकर आए हैं, उन्होंने तो शायद ये भी कहा कि मैं 15 क्वेश्चन जीएस के और 15 क्वेश्चन ऑप्शनल के डेली लिखता था। पता नहीं, मैंने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट इट इज लर्न्ड दैट। तो इतना तो जरूरी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि कॉमर्स के ऊपर 3 4 क्वेश्चन लिखे जो हम चैप्टर टेस्ट में करवाएंगे, जीएस में 5 7 क्वेश्चन लिखे डेली, 10 क्वेश्चन लिखो, 8 क्वेश्चन जरूर लिखो। अच्छा, लिखने से जो है पूरे दिन की थकावट चेंज हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, ब्रेन चेंज हो जाता है, तो जरूर लिखें। लिखेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आए, या अपने फ्रेंड को सुना दें जो पढ़ा है, ठीक है। तो डेली 10% टाइम लिखने में लगाइए या रिकैप करने में लगाइए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम डे वाले दिन लिखे तो वहां पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। जैसे जो पर्सन ओलंपिक में जो है लॉन्ग रेस जीतते हैं ना, तो वो 5 7 साल पहले से इतनी हैबिट बना लेते हैं कि ओलंपिक्स में जो ना उसको अफर्ट नहीं करना पड़ता। अफर्ट तब करते हैं जब उनको लगता है कि थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ, अदरवाइज वो एक रूटीन की तरह काम करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जितना आप कंफर्टेबल फील करके लिखेंगे, आपका परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। बीच में क्वेरी ले लेते हैं, सर व्हाट शुड बी द रीजनेबल टारगेट फॉर मार्क्स इन कॉमर्स ईच पेपर? 150, 150 तो होना चाहिए, 300+ डुएबल है, क्यों नहीं डुएबल है? 330 तो गए दिन, 330 वाज 2018, बट अब यूपीएससी ने सभी ऑप्शनल में 300 पे ला दिया है, 285 लाया था लास्ट टाइम, दिस टाइम 285 बाय अवर स्टूडेंट सुजावल जग्गा एंड अवर स्टूडेंट गरिमा मुंद्रा।
284, 283, 281 काफी स्कोर हैं, ठीक है। एंड रियली ओवरऑल मेरिट 30 to 50 मार्क्स डाउन आ गई है। तो सिर्फ कॉमर्स पे ध्यान नहीं देना, जीएस पे ध्यान देना है। कॉमर्स में आपने बहुत अच्छे ले लिए, जीएस में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्या फायदा। गरिमा लोहिया ने, जिनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला गरिमा लोहिया, सो सिट डिडेंट पे मच अटेंशन टू पेपर वन। पेपर वन में 125 मिला, उसने पूरा दिमाग लगा दिया जीएस में। सी गॉट 470 और 460 मार्क्स इन जीएस एंड गॉट सेकेंड रैंक। तो आपको अपने ओवरऑल एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। एलोकेट योर टाइम इन ऑल द रिवार्डिंग एरियाज लाइक एसे, लाइक एथिक्स, लाइक पेपर टू, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के चारों तरफ लगाना है टाइम, क्योंकि एक लेवल के बाद मार्क्स गेनिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे फाइनल अकाउंट्स है, आपको फॉर्मेट याद है, आपको ट्रीटमेंट याद है, अब उसमें और क्या कर सकते हैं। फिर माइनर प्रोविजंस नहीं पढ़ना, उस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थोड़ा सा मैं टेस्ट सीरीज के अराउंड बता रहा हूँ, और आप अपना रिवीजन उसी सीक्वेंस में रखिए जैसे टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। सबसे पहले एफएम रिवाइज करना, फिर ओटी होगी, फिर अकाउंट्स, फिर एचआरएम आईआर, और फिर बाकी पेपर सेक्स वन का सेक्शन। पेपर वन फर्स्ट फाइनेंस है, फिर ओटीओबी, फिर अकाउंट्स, फिर एचआरएम आईआर, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेपर वन। ये इस तरह से किया गया है कि एचआर एफएम करते ही आपका 120 to 130 मार्क्स श्योर हो गया। उसके बाद ओटीओबी करते ही आपका वहां से 150 मार्क्स श्योर होते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते ही आपके 40 to 50 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। तो इस सीक्वेंस में कीजिए। जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, हम उनको टेस्ट के दौरान तो देंगे देंगे न्यूमेरिकल्स, उसके अलावा भी हम जो है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देंगे। डेली 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल की एक साथ कोई रिविजन नहीं होता। न्यूमेरिकल अगर रिविजन नहीं होता, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती है। प्रोविजन तो फ्यू होते हैं, लेकिन वो स्पीड और योर अप्रोच वो रेगुलरली आपके टच में रहे, तो आपको एग्जाम डेज में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट के 5 दिन में दिन रात लिख लिख कर हैंड राइटिंग की स्पीड इंक्रीज कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसको कंटिन्यूअसली कीजिएगा। अगर आप 2 to 3 फ्रेंड्स आपस में मिल सकते हैं, तो आप लोग कुछ सिलेबस पार्टिसिपेटिवली रिवाइज कीजिए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि आपको ढेर सारा रिवाइज करना है, अगर रिवीजन का बटन शेयर कर लोगे तो स्टडी आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर भी अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके यहाँ पर लिंक शेयर कर दो, आपस में ज्वाइन कर लो। रैंकर्स तो इनिशिएट नहीं करेगा आपका ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन यू पीपल कैन मेक योर ग्रुप। इवन हेयर आल्सो टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, एंड यू कैन, यू आर 15% से 17% से आप, तो आप अपना ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेटिवली रिवाइज कर सकते हो, लेकिन रिविजन ग्रुप में 3 होने चाहिए कैंडिडेट, 3 से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एफआई रिवाइज करना है, मिस्टर ए बी सी 3 पर्सन हैं, तो मिस्टर ए कैपिटल मार्केट रिवाइज करा देगा, मिस्टर बी मनी मार्केट, और मिस्टर सी या मिसेस सी, मिस सी फाइनेंशियल सर्विस रिवाइज करा देंगे। उसके बाद जरूरत हो तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो, तो इससे आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग होगी और ऐसा रिविजन होगा जिसे आप भूल नहीं सकते। इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब आपके पेपर टू या पेपर वन के वो एरियाज जो आपको बोरिंग लगते हैं, डिसइंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको रिवाइज कीजिए पार्टिसिपेटिव। मान लीजिए आईआर से नहीं, पीएसयू अच्छा नहीं लगता मुझे भी पढ़ाना, अच्छा नहीं लगता, तो आप आपस में डिस्कस कर लो। मान लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप भूल जा रहे हैं, तो एक दूसरे को फॉर्मेट बना दो, बता दो, सुना दो, ठीक है। आप ग्रुप का फायदा उठाइए। मेरे आप सभी के लिए ये सजेशंस थे, ठीक है। अब मैं क्वेरीज लेता हूं। सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट एएस? इंट एएस नहीं आएंगे, एएस करना है। पहले यूपीएससी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड यूज करती थी, उसका मतलब इंट एएस नहीं था। व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन्स? मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन्स, देखिए आपके रिविजन होने चाहिए, 2 रिविजन तो कम से कम होने चाहिए। एक रिवीजन होना चाहिए आने वाले 45 डेज में, मैं आपको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, इन कमिंग 45 डेज, ठीक है। 45 डेज का मतलब 21 जून से लेकर
सेवंथ और फिफ्थ अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए 45 डेज में। उसके बाद एक रिवीजन और होना चाहिए, पेपर 1 अराउंड 10 डेज, पेपर 2 अराउंड 10 डेज, दो रिवीजन हो गए। ये रिवीजन होने चाहिए आपके जीएस से पहले। और आपका थर्ड रिवीजन होना चाहिए उस समय, जब 5 दिन का टाइम मिलेगा ना, उस समय थर्ड रिवीजन करेगा। सो दीज थ्री रिवीजन्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत तो नहीं बता पाऊंगा मैं, और ये मीट का रिकॉर्डिंग भी शायद अवेलेबल होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप जीवन सर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ठीक है? और मुस्कान ने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो आप इस रिवीजन के बारे में मैं बता रहा था। रिवीजन 3 होने चाहिए। पहला डिटेल्ड रिवीजन बोलेंगे हम, 20 कल से लेकर आने वाले 5 अगस्त तक, 45 डेज में, 47 डेज में यू शुड हैव डिटेल्ड रिवीजन अलोंग विद प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। उसके बाद होना चाहिए पेपर 1 10 डेज में रिवीजन, पेपर 2 10 डेज में रिवीजन। हमारी शेड्यूल देखोगे उससे पता चलेगा। फिर आप एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे जीएस पे। जीएस पे तो अभी भी फोकस करना है। फिर आफ्टर राइटिंग योर जीएस एंड एसए यू विल गेट 4 to 5 डेज। उस 4 to 5 डेज में आपको थर्ड रिवीजन करना है, राइट? सो दिस शुड बी द रिविजन्स। एंड रिविजन में मैंने बताया यू रिवाइज विद वन अनदर। कुछ सारी चीजें रिवाइज नहीं करना, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जस्ट इन बोरिंग टॉपिक्स और डिफिकल्ट टॉपिक्स यू शुड रिवाइज विद द हेल्प ऑफ योर ग्रुप। और ग्रुप में होने चाहिए मैक्सिमम 3 पर्सन, 3 पर्सन लाइक माइंडेड, 3 पर्सन बस, ज्यादा नहीं। 5 6 पर्सन रिविजन नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा। मुस्कान जिंदल ने ग्रुप क्रिएट किया है, आप लोग ज्वाइन करें, दैट वुड बी गुड। और वहां से फिर आप अपने अपने ग्रुप बना लीजिए, 2 to 3 ग्रुप्स बना लीजिए, ठीक है? नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज, आई विल आंसर योर क्वेरीज। वेटेज ऑफ टैक्सेशन 10 मार्कर कंपलसरी शॉर्ट नोट, 15 मार्कर थ्योरी क्वेश्चन, प्लस 15 to 20 मार्कर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज आस्ट। सो इन टैक्स आई सजेस्ट प्रिपेयर थ्योरी वेरी वेल, एंड इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट माई टीम टू शेयर इट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, राइट? सो इफ एनी अदर क्वेरीज देयर प्लीज आस्क हेयर, और यू कैन आस्क क्वेरी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, दैट इज 9818368606। सो प्लीज आस्क एकेडमिक क्वेरी ओनली, एडमिशन टेस्ट रिलेटेड क्वेरी यू आस्क अवर टीम, नरोत्तम और मंजीत। फॉर टेस्ट रिलेटेड क्वेरी, टेस्ट सीरीज रिलेटेड क्वेरी, यहाँ पर रैंकर्स क्लास में डिवीजन ऑफ लेबर है, वो है मिस्टर मंजीत, उनका नंबर है 9818268018। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, कहाँ पर पैसा पे करना है, फॉर्म वगैरह, मिस्टर नरोत्तम है 9818467467। और अगर जीएस में कहीं फंस रहे हैं तो जीएस सपोर्ट के लिए यू कैन आस्क सी जीवन, नंबर इज 7011706418। जिसमें एक ब्रॉड आइडिया दे सकते हैं वो। हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू पेपर 2 रिवीजन? पेपर 2 रिवीजन में दीजिए आप 20 25 डेज टोटल, 20 25 डेज, 25 डेज से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। वैसे तो 20 डेज में रिवाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है पेपर 2, बट एनी हाउ यू हैव टू कवर पेपर 2 इन 20 to 25 डेज, अगर नहीं कर पा रहे तो उसको सिलेक्टिवली कीजिए, फाइनली सक्सेस मिलेगा। ये नहीं सोचना कि आई एम नॉट रिवाइजिंग एवरीथिंग वेरी वेल, ये नहीं कर सोचना। टाइम की कमी है तो रिवाइज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, द थिंग्स विच आई विल गिव ए लिस्ट, रेगुलर लिस्ट दूंगा मैं टेस्ट सीरीज का, जो
क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेबल बना के दूंगा, जैसे मैंने एफएम का टेबल टेलीग्राम चैनल पे डाला है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, डू स्मार्ट हार्ड वर्क, टेक केयर। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट करना है। कई रातों जागे रहें, आंखें लाल हो जाएं, तब ये मानकर चले कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना, स्मार्ट का मतलब होता है बराबर टाइम देना, जीएस और ऑप्शन को, जीएस को 2/3, ऑप्शन को 1/3। स्मार्ट का मतलब ये है कि सिलेक्टिव तैयारी करना, बस यही होता है स्मार्ट, और कुछ नहीं होता। ऑल्सो आई हैव गिवन पेपर टू टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट इन जनवरी एंड नाउ हाउ टू सजेस्ट मी टू गो अबाउट राइटिंग टेस्ट। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी निखिल, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने जनवरी फरवरी में नहीं लिखे वो लिख सकते हैं, और जो लिख चुके हैं उनको अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी यस आदित्य, सर। लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा था, और मेंस लिखने के बाद मैंने पेपर 2 में कुछ भी मैंने वैल्यूएशन नहीं किया था, कुछ भी मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 90 के आसपास मेरे को मार्क्स मिलेंगे पेपर 2 में। बट वन द रिजल्ट केम आउट तो मेरे अराउंड 125 मार्क्स थे पेपर 2 में। वेरी गुड। एंड पेपर 1 में सर जब आपने आंसर्स डाले थे जस्ट एग्जाम के बाद, तो मैंने मैच किए थे, तो मेरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट में जो फाइनल आंसर्स थे वो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी थी उनमें। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 140 to 145 मार्क्स, लेकिन देयर आई गॉट 115 मार्क्स। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इफ देयर इज लाइक 100% एक्यूरेसी विद द फाइनल आंसर्स दैट यू शेयर्ड इन द ग्रुप, उसके बाद इतने कम मार्क्स आ जाए पेपर 1 में एंड पेपर 2 में इतने हाँ, ज्यादा आ गए। यूपीएससी कुछ तो कट कर रही है, लेकिन इस बार तो पेपर 1 में काफी मार्क्स आए, 150 मार्क्स, 156, 158, काफी कई कैंडिडेट्स के आए हैं, तो कुछ रहे होंगे इश्यू में। यूपीएससी को तो दोष नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है, यूपीएससी जो ना अब स्केलिंग करती है सभी ऑप्शनल में, ताकि जीएस और इंटरव्यू का रोल इंक्रीज हो। फिर भी उन चीजों को इग्नोर करते हुए अब आगे आपको जो है हार्डवर्क करना है, ठीक है, अपने डाउट्स को दूर करते हुए टेस्ट जरूर लिखने हैं। तो सर ऐसा भी होता है क्या, जैसे कि फाइनल आंसर हमारा ठीक हो लेकिन जो हमने जो हाँ, प्रोसेस अगर जो आपके फॉलो टेस्ट सही किया। नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, तो हो सकता है आपने प्रॉपर फॉर्मूलाज नहीं लगाए हैं, राइट, खिचपिच आंसर किया है, क्योंकि आपको आपका जो आंसर शीट चेक की जाती है एक ऑफिसर के एंगल से चेक की जाती है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप कॉमन मैन के लिए कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो आप कैसे करेंगे, तो उस एंगल से देखा जाता है। प्रेजेंटेड गुड प्रेजेंटेशन नहीं है तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, राइट, ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन, गुड बाय एवरीवन, प्रिपेयर, स्टार्ट हार्ड वर्क फ्रॉम टुमारो, रिजल्ट का देखे बगैर आज से शुरू कर दे, रिजल्ट की वेट नहीं करना, 10 दिन में पढ़ाई खूब कर सकते हो, न पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ के जरूर मिलेगा, ठीक है, बेस्ट विशेस।